ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हम भगवान कृष्ण के तीसरे दिव्य गुण के बारे में वर्णन करेंगे। जो तीसरा दिव्य गुण भगवान के शरीर में बताया जाता है वो है अतीव रुचिरा। मतलब भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो इतना अत्यधिक आकर्षमयी है कि व्यक्ति अगर अपनी आंखों से भगवान के रूप का दर्शन कर ले तो उनकी तरफ उसकी आंखें आकर्षित हो जाती हैं। इस भौतिक संसार में भी हमने देखा है कि अगर कुछ सुंदर वस्तु है हमारी आंखें अपने आप उस तरफ चली जाती हैं, हम उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान के बारे में भागवत में बताया है कि जब भगवान कृष्ण उनको आमंत्रण दिया गया महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में, जब उन्होंने राजसूय यज्ञ आरंभ किया तब भगवान कृष्ण को भी उन्होंने आमंत्रण दिया और उस राजसूय यज्ञ में अनेकों बड़े बड़े महान राजागण वहां पर पधारे हुए थे। तो जब भगवान कृष्ण उस सभा के अंदर में उन्होंने प्रवेश किया तब जितने भी ये राजागण थे सब बड़े के बड़े आश्चर्यचकित रह गए। भगवान के शरीर को देख करके, भगवान के रूप को देख करके तुरंत उनकी आंखें भगवान के रूप की तरफ चली गई और भगवान को निहारते रहे, भगवान को देखते रहे और आपस में वो बातें कर रहे थे कि जो भगवान के शरीर को बनाने वाला, जो जिसने भगवान के शरीर का निर्माण किया है उसने अपनी सारी कलाओं का समावेश भगवान कृष्ण के रूप को बनाने में किया है। ऑफ कोर्स ये हमें समझना है कि भगवान का शरीर कोई बनाता नहीं है, भगवान आत्मा राम है, स्वयं आदि पुरुष हैं, वो सभी रूपों के जन्मदाता हैं, उनका रूप अपने आप है, स्वयं है। लेकिन इस वृतांत से हम समझ सकते हैं कि ये राजा जो है, जितने भी वहाँ पर उस सभा में थे, किस प्रकार से भगवान के शरीर के द्वारा, उनके रूप के द्वारा आकर्षित हुए, क्योंकि भगवान का जो रूप है वो अतीव रुचिरा है। एक और बड़ा सुंदर वर्णन जो है भागवतम के अंदर में बताया जाता है, उसमें कहा है कि भगवान के शरीर पर मानो 8 कमल खिले हों। जब कमल का फूल होता है तो हमारी आंखें जो है उस तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो बताया जाता है कि भगवान के शरीर पर मानो 8 कमल खिले हों। तो वो क्या उदाहरण दिया जाता है, भगवान की 2 आंखें वो कमल के समान है। इसी प्रकार से भगवान का मुख कमल के समान है,
भगवान का, भगवान की नाभि वो कमल के समान है, भगवान की दो हथेलियाँ वो कमल के समान हैं, और भगवान के पांव के दो तलवे वो भी कमल के समान हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर जो है तुलना की गई है कि भगवान कृष्ण का रूप कितना रुचिर है। रुचिर का मतलब होता है जो आँखों को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, उस प्रकार का भगवान का रूप है। तो इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कथा बताई जाती है कि एक भगवान के महान भक्त हुए जिनका नाम था बिल्वा मंगल ठाकुर। ये बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं, उन्होंने अपने पुराने जो है पहले जीवन में, अपने पहले जन्म में भगवान की भक्ति की थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ कारणवश वो भक्ति के मार्ग से भटक गए थे और बाद में उनका जन्म दोबारा एक ब्राह्मण के घर में हुआ दक्षिण भारत में। तो उस समय भगवान ने दोबारा जो है उनको एक प्रकार से अवसर प्रदान किया भक्ति, भगवान की भक्ति में लगने के लिए। तो इनके जो है पास में, बिल्वा मंगल ठाकुर के पास में, उनके पास में सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, गलत संग के कारण बिल्वा मंगल ठाकुर जो हैं एक वेश्या की तरफ अत्यधिक आकर्षित थे। वेश्या मतलब होता है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्रोस्टिट्यूट। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो है उस वेश्या की तरफ इतने आकर्षित थे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वो उसके घर को ना जाएं। तो एक दिन क्या हुआ, जब उनके पिता का देहांत हो गया तो उनकी अंत की जो है क्रिया करने के पश्चात फिर उनके मन के अंदर में दोबारा उस वेश्या के घर को जाने के लिए उनका मन उत्तेजित हुआ। इस वेश्या का नाम था चिंतामणि। तो उस दिन क्या था, घनघोर बारिश हो रही थी। आप जरा सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर एक प्रकार से कितने उस वेश्या के प्रति आकर्षित होंगे कि जिस दिन उनके पिता का देहांत हुआ, अंतक्रिया करने के बाद भी ये नहीं कि वो दुख में डूबे हैं, शोक में डूबे हैं कि मेरे पिता का देहांत हो गया है, कम से कम आज के दिन तो मैं उस वेश्या के घर को ना जाऊं। लेकिन उनका मन उस वेश्या के प्रति इतना आकर्षित था कि उस दिन भी उन्होंने ठान ली कि वो उस वेश्या के घर में जाएंगे। लेकिन उस दिन घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, सब जगह पानी फैला हुआ था, पानी का मानो उफान आ गया हो। तो जल्दी जल्दी उन्होंने जो अपने पिता की अंत्येष्टि पूर्ण की, और उसके बाद में बताया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से वो उस भरे पानी में भी उन्होंने जो है उस पानी को भी पार किया। पार करने के पश्चात उस दिन भी इतनी घनघोर बारिश और उनके पिता का देहांत, उसके बावजूद भी वो बिल्वा मंगल ठाकुर के घर, बिल्वा मंगल ठाकुर उस चिंतामणि के घर पहुंच गए। और जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो चिंतामणि तो सोच रही थी कि आज उनके पिता का देहांत हुआ है और आज घनघोर बारिश है, तो मुझे नहीं लगता कि आज बिल्वा मंगल ठाकुर जो है यहां पर आएगा। तो जब चिंतामणि ने दरवाजा खोला तो देख करके आश्चर्यचकित हो गई कि इस प्रकार की घनघोर बारिश में भी बिल्वा मंगल ठाकुर जो है यहां पर आए हैं, मेरे घर पर आए हैं।
तो ये वेश्या किसी न किसी प्रकार से ये भगवान की भक्त थी, लेकिन उसका प्रोफेशन इस प्रकार का था अपनी जीविका चलाने के लिए। तो उनको बिल्वा मंगल ठाकुर के ऊपर अत्यंत करुणा आ गई। उन्होंने पूछा, हे बिल्वा, तुम भला इतनी घनघोर बारिश में यहां तक कैसे पहुंचे? तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि मैंने देखा कि सब जगह पानी भरा हुआ है, तब नाव तो वहां पर मुझे कुछ भी नहीं मिली, लेकिन एक मृत शरीर वहां पर तैर रहा था, उस मृत शरीर के ऊपर चढ़ करके मैं तुम्हारे घर तक आया हूं। तो ये सुन करके चिंतामणि बिल्कुल चौंक गई कि बिल्वा मंगल ठाकुर किस प्रकार से इस अनित्य शरीर के द्वारा इतना आकर्षित है कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो पानी को पार करके कैसे आया है। क्या कोई व्यक्ति एक मृत शरीर के ऊपर नाव बना करके पानी पार करके इस प्रकार से आएगा? तो ये देख करके चिंतामणि जो है बिल्कुल चौंक गई और उसने कहा कि मेरा गेट तो जो है बंद था, तुम कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मैं वहां से गेट के ऊपर से चढ़ करके फिर दोबारा यहां पर आया, और जब मैंने देखा कि तुम्हारा दरवाजा बंद है लेकिन तुम्हारी खिड़की खुली है, उस खिड़की तक पहुंचने के लिए मैंने रस्सियां ढूंढी लेकिन रस्सी भी मुझे नहीं मिली, तब मैंने देखा कि एक रस्सी जो है तुम्हारे खिड़की से लटक रही है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो रस्सी नहीं, वो एक सांप था जिसने पानी की वजह से वहां पर आश्रय लिया था, और उस सांप को पकड़ करके मैं खिड़की के द्वारा तुम्हारे घर पर आया हूं। तो ये सुन करके चिंतामणि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे बिल्वा, जिस प्रकार का आकर्षण तुम्हें मेरे इस रूप के ऊपर है, जो अनित्य है, जो फॉल्स है, जो मिथ्या है, जो एक दिन मिट जाएगा, अगर इसी प्रकार का आकर्षण तुम्हारा भगवान कृष्ण की तरफ होता, जो सभी आकर्षणों के केंद्र हैं, जिनकी सुंदरता सदैव बनी रहती है, नव यौवनम च, तो तुम्हारा जीवन साक्षात्कार हो गया होता। तो ये सुनकर के बिल्वा मंगल ठाकुर जो है तुरंत उनकी जो है बुद्धि जो भ्रमित हो गई थी तुरंत सही जगह पर आई, और तुरंत उन्होंने जो है वहां पर घर से वो बाहर निकल गए और सीधा वृंदावन धाम की तरफ उन्होंने जाने का निश्चय किया। जब बिल्वा मंगल ठाकुर को ये पता लगा इस भौतिक संसार में जिस स्त्री के द्वारा वो इतने आकर्षित थे, वो स्त्री स्वयं कह रही है कि ये शरीर नश्वर है, ये भौतिक सुंदरता नश्वर है, और इस प्रकार का आकर्षण जो बिल्वा का चिंतामणि की तरफ था, अगर वही आकर्षण भगवान के रूप की तरफ होता, जो सर्व आकर्षमयी है, जिनका रूप अतीव रुचिर है, तो बिल्वा मंगल ठाकुर का जीवन सफल हो गया होता। तो ये सुनने के पश्चात बिल्वा मंगल ठाकुर वहां से निकल पड़े वृंदावन की तरफ, लेकिन क्योंकि अभी भी उनके मन के अंदर में वासनाएं तो थी, अभी वासनाएं तो दूर नहीं हुई थी, भगवान के रूप की तरफ उनका आकर्षण तो बड़ा था। तो रास्ते में जाते जाते जब उनको भूख प्यास लगी तो एक घर में उन्होंने प्रवेश किया, और घर में प्रवेश करने के बाद में एक
ब्राह्मण की पत्नी जो अत्यंत सुंदर थी उसको देख करके दोबारा बिल्वामंगल ठाकुर का मन जो है आकर्षित हो गया और दोबारा उस चिंतामणि को वो याद करने लगे। ये देखने के पश्चात बिल्वामंगल ठाकुर को प्रतीत हो गया कि उनकी ये दो आँखें उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो उन्होंने उस ब्राह्मण पत्नी से निवेदन किया, उन्होंने कहा, हे माते, मुझे कृपा करके आपके बालों में जो आपने जो वो पिन लगाई हुई है, क्या आप मुझे कृपा करके प्रदान करेंगी? तो ब्राह्मण की पत्नी को पता नहीं था वो क्या करने जा रहे हैं। तो बिल्वामंगल ठाकुर ने वो पिन उनके गजरे से ली और अपनी दोनों आँखें उन्होंने वहाँ पर नष्ट कर दी। उन्होंने सोचा कि ये आँखों के द्वारा भगवान के रूप की जगह मैं इस भौतिक सुंदरता से आकर्षित हो रहा हूँ, ये आँखें मेरी कोई काम की नहीं है। और उसके बाद में वो भगवान के इतने महान भक्त बने कि भगवान कृष्ण स्वयं वृंदावन में उनको दूध प्रदान करने के लिए आते थे। तो ये भगवान की अतीव रुचिर भगवान की जो है इस प्रकार का रूप है। तो अगले गुण का हम वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।